सोशल सिक्योरिटी कोर्ट्स के क्याम से मुतालिक दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समात हुई है। अदालत ने रिमार्क दिए कि मजदूर की 25,000 रुपये तनख्वाह सिर्फ कागज़ों में है, मजदूरों को तो अब भी 10,000 रुपये ही मिल रहे हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदे खसूसी इरफान अल हक से। इरफान, बताइएगा समात के बारे में। देखिए, अदालत ने हुक्म दिया था कि सोशल सिक्योरिटी कोर्ट कायम की जाएँ और अब तक अमल दरामद ना होने पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया बल्कि अदालत ने यही रिमार्क दिए कि जो लोगों की हालत इजहार है, बिलखसूस मजदूरों का कोई किसान हाल नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनको अब तक 10,000 रुपये ही अमला दी जाती है तनख्वाह के तौर पर। इसके अलावा जो लोग कंपनियों में मर जाते हैं उनका भी कोई जिम्मेदार नहीं होता। अदालत ने चेयरमैन सेफी को हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर पेश हों। मजीद कोर्ट के क्याम के हवाले से अदालत को बताया गया कि काबीना ने इसकी इत्तेहाल मंजूरी नहीं दी है, जिस पर अदालत ने यह ऑब्जर्व किया है कि मुमकिन है काबीना को सही तौर पर ब्रीफ नहीं किया गया हो। एडवोकेट जनरल को हिदायत की गई है कि वो कैबिनेट को इस हवाले से ब्रीफिंग दें और अदालत को भी आगाह करें। बहुत शुक्रिया इरफान अल हक आपका।